बाल साहित्य क्या है, किसे बाल साहित्य कह सकते हैं, एक अच्छे बाल साहित्य के क्या लक्षण हो सकते हैं, क्या क्या चीजें होनी चाहिए बाल साहित्य में, और अगर शैक्षिक उपक्रम के रूप में हम लेते हैं तो बाल साहित्य को किस प्रकार उपयोग में लाया जाना चाहिए। और ये सवाल तो आर पार में खड़ा रहेगा कि ये शैक्षिक उपक्रम के लिए है या आनंद के लिए है। तो बाल साहित्य पे बहुत सारे सवाल हैं, क्योंकि ये न केवल बच्चों से जुड़ा मुद्दा है, जैसा कि मैंने पहले कहा था कि हमारे भविष्य से जुड़ा मुद्दा है, देश के भविष्य से जुड़ा मुद्दा है। तो क्या ऐसा होना चाहिए कि जिससे बाल साहित्य की समझ न केवल शिक्षकों के लिए जरूरी है बल्कि अभिभावकों के लिए जरूरी है और उस हर व्यक्ति के लिए जरूरी है कि जो अपने जीवन को अपने अनुकूल सुरक्षित चाहता है, स्नेहमय चाहता है और आनंदमय चाहता है। तो मैं सुशील शुक्ल जी को आमंत्रित करूंगा कि वे इसकी शुरुआत करें और बाल साहित्य के विभिन्न मुद्दों पर वो अपनी बात रखें। भोपाल में साहित्य वगैरह के बहुत सारे उत्सव होते हैं, लेकिन बच्चों के साहित्य पर बातचीत बहुत कम होती है, तो इसलिए ये अतिरिक्त उत्साह की बात है कि इस तरह का कार्यक्रम देहरादून लिटरेचर फेस्टिवल में रखा है। ये जो विषय है शिक्षा का उपक्रम और आनंद, तो असल में ये दोनों ही चीज, शिक्षा भी और आनंद भी, दोनों ही इतने सुलझे हुए नहीं है कि आप शुरुआत कर दें आनंद पर बात करने की और शिक्षा पर बात करने की। आप जानते हैं कि उसमें इतनी सारी पेचीदगियां हैं, आपको ये देख लेना पड़ेगा कि आनंद जैसी चीज, मतलब किस बात का आनंद आता है उसमें। अगर थोड़ी देर के लिए हम उन चुटकुलों पर चलें जो जिन पर हम हंसते हैं और आनंद लेते हैं, तो वहाँ उस पर भी देखेंगे कि उनमें से ज़्यादातर चुटकुले जिनमें महिलाएं और पुरुष पात्र होते हैं, अगर आप उनको उलट दें, महिलाओं के डायलॉग पुरुष बोल दें और पुरुषों की महिलाएं, तो उस चुटकुले की हवा निकल जाएगी। तो हमें ये भी देख लेना चाहिए कि जब हम आनंद शब्द का प्रयोग करते हैं तो असल में उसका स्रोत क्या है। हमारे समय में तो और इसका बहुत ही मुश्किल दौर में है, जहाँ पर कि मंदिर वही बनेगा जैसी चीज़ें भी किसी के लिए आनंददायक हो सकती हैं, मतलब ये जो वही शब्द है जैसी चीज़ें, तो इस पूरी पृष्ठभूमि में मुझे लग रहा है आनंद को समझने की ज़रूरत है। लेकिन बच्चों के साहित्य में ख़ास तौर पर ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह का, और शिक्षा अगर बच्चों के साहित्य पर जुड़ती है तो फिर और मसले हैं, क्योंकि मैं पाठ्यपुस्तक समितियों से भी जुड़ा रहा हूं, तो वहां भी जिस तरह के बाल साहित्य की को प्रस्तावित करते हैं लोग, जिस तरह से आगे बढ़ते हैं, वो अपने आप में एक ज़्यादातर एक अलग थलग एक सूरज बढ़ जाते हैं, कि जिस तरह से फिल्म होती हैं कि एक गुडी गुडी एक बढ़िया एक कृत्रिम एक दुनिया बना के रखते हैं, जहाँ पर कि कोई किस्म का दुख नहीं है, जहाँ पर कि कोई किस्म का संघर्ष नहीं है, बच्चे बर्थडे वगैरह मना रहे हैं मज़े में, और बहुत ही सतही किस्म का साहित्य, उसमें जीवन की कोई चीज़ नहीं मिलती है। लेकिन आज मैं आपको कुछ एक ऐसे किताबों से आपका उनके अंश पढ़कर, और उसमें किस तरह की बचपन की प्रस्तावना है और आनंद की प्रस्तावना किस तरह की है, और एक अच्छे बाल साहित्य और जीवन से जुड़े बाल साहित्य की का क्या प्रस्ताव है, उस पर बात कर सकते हैं। तो शुरुआत मैं करता हूँ तोतो चांद नाम की किताब की। आप जानती हैं तत्सुकी की ये किताब है, और एक सच्ची घटना पर आधारित किताब है। तोमोयो नाम का एक स्कूल है जिसके इर्द गिर्द ये किताब घूमती है, और तोतो चांद एक 5-1 साल की बच्ची है, और एक स्कूल से उसको निकाल दिया गया है। क्यों निकाल दिया गया है, इसकी दो छोटी घटनाएं हैं जो मैं आपसे साझा करना चाहूंगा। एक तो है कि जब तोतोचान की माँ को ये नोटिस मिलता है कि भाई आइए स्कूल, आपकी बच्ची ने बड़ा जो है आसमान सर पे उठा रखा है, तो माँ जाती है स्कूल,
तो शिक्षिका उसको बताती है कि देखिए आपकी बच्ची ने किस तरह से इस पूरे माहौल को जो शैक्षिक किस्म का माहौल था उसको किस तरह की बाधाएं उत्पन्न कर दी हैं। तो माँ बड़ा अंदर से तो डर जाती है कि क्योंकि उसने देखा है कि जो तोतो जान है वो घर में भी तरह तरह के सवाल पूछती है। तो यहाँ शिक्षिका उसको बताना शुरू करती है कि तोतो चान को अगर मैं बोलती हूँ, जब मैं आ लिखाना सिखाती हूँ तो तोतो चान क्या करती है कि आ लिखने के लिए पहले कॉपी निकालेगी मेज से, फिर उसका ढक्कन बंद करेगी, फिर उसमें से अगली बार एक कलम निकालेगी, फिर ढक्कन बंद करेगी, फिर कुछ गलत लिख दिया है तो रबर निकालेगी, फिर ढक्कन उसका बंद करेगी। तो अब मेरे पास शिक्षिका के पास उसको हर बार शिक्षिका बोलती है कि हर बार तोतो चान के पास एक ऐसा जेन्युइन कारण है, क्योंकि उसको रबर निकालनी थी इसलिए उसने दराज वो खोली और फिर बंद की। तो शिक्षिका इससे बहुत परेशान हो जाती है कि हर बार जो है वो एक ढक से वो ढक्कन बंद करती है मेज का और उससे व्यवधान पैदा होता है। लेकिन जब यही अनार को जब घर तोतो चान जब घर जाती है तो अपनी माँ को उस घटना के बारे में बताती है जिसमें कहती है मेरा स्कूल बहुत अच्छा है, पता है घर में जो मेज है उसका ड्रॉवर खींचना पड़ता है, पर हमारे स्कूल में मेज पर एक ढक्कन है जिसे उठाना पड़ता है बिल्कुल डब्बे की तरह और जिसमें ढेरों चीजें रखी जा सकती हैं, बहुत ही मजेदार है। तो ये जो स्थिति है कि जहां तोतो चान को मजा आ रहा है, उसको एक नया किस्म का एक मेज मिला है उसको जिसमें एक ढक्कन को उठा सकते हैं और उसको बंद कर सकते हैं, और जो उसके घर में एक्चुअली वैसा नहीं है, उसके घर में जो है वो खींचना पड़ता है। तो ये जो जिस चीज में इस तोतो चान को मजा आ रहा होता है, आनंद आ रहा होता है, शिक्षक की पहुंच में वो नहीं है, शिक्षक उससे वाकिफ नहीं है और वो आ सिखाने में एक्चुअली मशगूल है। और जब इससे थोड़ी देर पहले तोतो चान हेडमास्टर के पास जाती है, जब उसका दाखिला हो रहा होता है तो हेडमास्टर 3-पीस ब्लैक कलर के सूट में बैठे रहते हैं और तो तोतो चान सबसे पहले ही हेडमास्टर से रूबरी होती है और उनसे कहती है कि आप स्टेशन मास्टर हैं कि हेडमास्टर हैं। तो मतलब एक इतनी निडर बच्ची है और फिर उसका जब इंटरव्यू होता है उससे हेडमास्टर बातचीत करते हैं तो ये 4 घंटे तक अपने बारे में बताती रहती है, अपना सूट जो उसका सिला गया है वो उसकी माँ ने किस तरह से सिलाई की है, उसका कुत्ते का नाम क्या है, वो किस तरह की आदतें हैं उसकी। इस ये जो बच्ची है जो 4 घंटे नॉनस्टॉप बातचीत कर सकती है, खुद को एक्सप्रेस कर सकती है, उसको एक शिक्षिका आ जो बनाना सिखा रही है, आप देखेंगे आ बनाना सिखाने में जिसकी पूरी चिंता यह है कि वो किसी तरह से आ बनाना सीख जाए, और एक बच्ची जो 4 घंटे बातचीत कर सकती है और जो जिसको जिसको एक मेज खोलने में आनंद आता है। तो ये आप देखिए कि ये जो जिसमें बच्चे को आनंद आ रहा है उसकी शिक्षक तक पहुंच नहीं है, और शिक्षक एक बहुत ही मामूली चीज सिखाने की कोशिश करता है कक्षा में, जो पहले ही जो बच्चा है वो उससे काफी ज्यादा चीजें ज्यादा स्किल है उसके पास, वो भाषा में ज्यादा पारंगत है, लेकिन वहां उसके लिए स्कूल में उसकी कोई बहुत स्पेस नहीं है। ऐसे ही दूसरा जो जिस चीज से शिक्षिका परेशान है तोतो चान की, तोतो चान क्लास चल रही है और तोतो चान बीच बीच में आवाज दे रही है किसी को, तुम क्या कर रही हो। शिक्षिका को अंदाजा नहीं लगता है बहुत देर तक कि असल में ये किससे बात कर रही है। तो जब वो बिल्कुल पास आके देखती है तो तोतो चान खिड़की के बाहर एक घोंसला है जिस अवावील बैठी है जिसमें, तो अवावील से बात कर रही है। लेकिन शिक्षिका के लिए ये बड़ी बेतुकी सी बात है कि मतलब क्लास चल रही है और तोतो चान जो है अवावील से बात कर रही है। और जब तोतो चान की माँ शिक्षिका से मुखातिब होती है और शायद वो कहना चाहती है कि इसमें कोई चिड़िया से बात करना कोई बुरी चीज नहीं है और इतनी बेतुकी चीज नहीं है, तो आप देखिए कि शिक्षा जैसे ही मतलब जो बच्चे के आनंद की बात है वो
वो स्कूल में उस तरह से उसकी जगह बनती नहीं है। दूसरी भी आप दूसरे भी उदाहरण लें, जैसे ईदगाह एक कहानी है, तो उस ईदगाह आमतौर पर पाठ्य पुस्तकों में आपको जो दिखती है उसमें काफी संपादित कहानी दिखती है। उसमें जहाँ से ईदगाह शुरू होती है, जहाँ प्रेमचंद कुछ समय खर्च करते हैं उसकी प्रस्तावना पर कि आज जो ईद का दिन है उसका वो दिन कैसा है, उसकी सुबह कैसी है, उस सुबह का सूरज कैसा है, ये पूरा ही जो विवरण है आमतौर पर शिक्षा में गैर जरूरी माना जाता है। और भी आगे आप चलेंगे तो जब हामिद ईदगाह जाने के लिए घर से निकलता है तो रास्ते में वो देखता है कि एक दो बड़े महल कोठी नुमा घर पड़ते हैं, तो बीच में बच्चों की बातचीत होती है हामिद की, कासिम की, उन महलों के बारे में कि ये कौन लोग हैं, इनके पास इतना पैसा कहाँ से आता है, और उनकी बातचीत है फिर कि हामिद कहता है शायद जिन्नात हैं इन लोगों के पास पले हुए और जिन्नात इनके लिए पैसा लेकर आते हैं। लेकिन ये जो सारे मामले हैं ये आमतौर पर शिक्षा का बहुत हिस्सा नहीं बन पाते हैं। एक और बहुत ही दिलचस्प चीज है जो अक्सर ईदगाह नाम की कहानी से संपादित हो जाती है, वो है कि अमीना ने बड़ी मुश्किल से हामिद के लिए कुछ पैसे जुटा के रखे हैं और उसके लिए उसने सिलाई की है, तमाम चीजें की हैं, बड़ी मेहनत से की है, और उसको प्रेमचंद ने बहुत सुंदर एक वाक्य में खोला है कि अमीना ने ये पैसे ईमान की तरह बचा कर रखे हैं। लेकिन ये पाठ्य पुस्तकों में आपको ये वाक्य नहीं मिलेगा। अब ज्यादातर पाठ्य पुस्तकें इस तरह की जो चीजें हैं उनसे बचती हैं, क्योंकि आमतौर पर ज्यादा बाल साहित्य में काम करने वाले ज्यादातर लेखकों को भी, बड़ों को भी, शिक्षकों को भी ये अक्सर लगता है और इस बात की बहुत चिंता रहती है कि बच्चे ये समझ नहीं पाएंगे। हालांकि और समझ नहीं पाएंगे इतना एक टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जाता है कि मतलब जैसे कि वो बहुत पेचीदा चीज है। आप बताइए जरा कि कोई चीज को समझने का मतलब क्या होता है, मतलब कौन सी चीज आप कर लेंगे कि आपको लगेगा कि मैं समझ गया। मान लो ये पेड़ है, अब आप इस पेड़ को कब समझने का क्या मतलब है, किसी पेड़ को समझने का क्या मतलब है। आप पेड़ को बिना उसके हरे रंग के नहीं समझ सकते, बिना पत्तों के नहीं समझ सकते, चिड़ियों के नहीं समझ सकते, बिना सूरज की रोशनी के पेड़ को नहीं समझ सकते, मिट्टी बिना मिट्टी के पेड़ को नहीं समझते। तो असल में एक पेड़ को अंतिम रूप से तो कभी समझा ही नहीं जा सकता, लेकिन किसी चीज को समझने का एक सिलसिला शुरू किया जा सकता है। और जहां एक अच्छे बाल साहित्य में ये चीज होती है कि आप कोई भी, दुनिया की ऐसी कोई चीज नहीं है जो बाल साहित्य का हिस्सा नहीं हो सकती और जिस पर बाल साहित्य नहीं लिखा जा सकता। मुझे लग रहा है सिर्फ ये मसला रहता है कि आप क्या कोई एक सिलसिला, क्या उसमें कोई एक ऐसी जगह है जहां से बच्चे का कनेक्शन बने, जहां वो शुरू हो जाए। और समझ कोई एक बिंदु नहीं है कि आपने आज उस बिंदु पर गए और आपने समझ लिया। समझ तो एक सिलसिला है, लगातार आप कई बार आप पेड़ को, हो सकता है कुल्हाड़ी से समझें, जब कुल्हाड़ी को समझने चले तब शायद पेड़ को समझें। तो बड़ी अलग अलग तरह की चीजों से, बड़ी उलट उलट चीजों से हम किसी चीज को समझते हैं और एक सिलसिला बनता है।